गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो झूठे मुकदमों की जांच होगी। साथ ही राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड में किसी धान नहीं पैदा कर पाते, किसान धान पैदा नहीं कर पाते, धान के लिए किसानों को बुंदेलखंड में पानी नहीं मिलता है। तो पानी की समस्या बुंदेलखंड की समस्या मुख्य तौर पर झांसी में मंच से संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उठाई और चुनाव करीब है, ऐसे में इस तरह के बयान अब लगातार सामने आएंगे क्योंकि ये एक वक्त है जब सबको एकजुट होकर चुनाव के लिए कमर कस लेनी है और यही एक वजह है अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता इन दोनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। तो आज राजनाथ सिंह झांसी में थे और इस दौरान उन्होंने मंच से अखिलेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने हमला बोला है। झंडे लिए हैं भाई, कह रहे हैं एक संत के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया, ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे थोपे गए। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, लेकिन बहनों भाइयों आप यकीन रखना, आप उत्तर प्रदेश में सरकार आने दो, कोई मामालाल इंसाफ पाने से आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार इसकी जांच कराएगी जितने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हैं वह झूठे मुकदमे वापस होने चाहिए।